नमस्कार, ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि डैंड्रफ को दो दिनों में कैसे खत्म कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमें ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए आज हम लोग आपके लिए बहुत ही आसान और घरेलू उपाय लेके आ रहे हैं, जिनकी मदद से आप 2 से 3 दिनों में ही अपने डैंड्रफ को ख़त्म कर सकते हैं। डैंड्रफ होने की बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे धूल, मिट्टी, प्रदूषण, या फिर आप अपने बालों की सही से देखभाल नहीं कर रहे, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है आपके डैंड्रफ का कारण। डैंड्रफ की वजह से आपके बालों का जो झड़ना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ ही साथ आपकी जो बालों की ग्रोथ होती है वो भी कहीं ना कहीं रुक जाती है। डैंड्रफ की वजह से आपको बालों की बहुत सारी समस्या हो सकती है, इसलिए आज मैं आपको 2 दिनों में डैंड्रफ कैसे ख़त्म करना है इसके बारे में बताऊंगी। पर दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला उपाय मैं आपको डैंड्रफ हटाने के लिए बताऊंगी, जिसके लिए आपको चाहिए दही। दही हमारे बालों को बहुत ज़्यादा पोषण देता है, साथ ही साथ इसके अंदर बहुत अच्छी कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है और इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जिसकी मदद से जितना भी डैंड्रफ है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपको दही को लेना है और अपने बालों पर, अपने बालों की जड़ों पर लगा देना है और 20 से 25 मिनटों के लिए छोड़ देना है और उसके बाद अपने बालों को ठंडे पानी से धो लेना है। अगर आप लगातार 2 दिन ऐसा करते हैं तो 2 दिनों में ही आपका डैंड्रफ जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय है डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए, आप सभी को एक बार ज़रूर करके देखना चाहिए। इसके बाद मैं आपको दूसरा उपाय बताऊंगी डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए, जिसके लिए आपको चाहिए नींबू का रस। नींबू के रस में विटामिन सी होता है, साथ ही साथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसकी मदद से आपके सर में जितना भी डैंड्रफ है वो ख़त्म हो जाएगा और साथ ही साथ अगर आपको कोई फंगल इन्फेक्शन है तो वो भी बैक्टीरिया इस विटामिन सी की वजह से ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आपको 1 से 2 नींबू का रस निकाल लेना है और इसे अपने बालों की जड़ों पर 15 मिनटों के लिए लगा कर रखना है और उसके बाद अपने बालों को शैम्पू कर लेना है। इसकी मदद से 2 ही दिनों में आपका जो डैंड्रफ है वो ख़त्म हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छा उपाय है। नींबू की वजह से आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो पाएगी। ये उपाय आपको एक बार ज़रूर करके देखना चाहिए। इसके बाद मैं आपको तीसरा उपाय बताती हूँ, जिसके लिए आपको चाहिए मेथी का दाना। मेथी के दाने के अंदर हमारे बालों के लिए बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, साथ ही साथ मेथी का जो दाना है हमारे बालों को कंडीशनिंग करता है और हमारे बालों को बहुत ही हेल्दी बनाता है। इसलिए आपको 2 से 3 चम्मच मेथी को रात में पानी में भिगोकर रखना है और सुबह उठकर उसे पेस्ट बना लेना है, यानी मिक्सी में पीस लेना है। इस पेस्ट को अपने बालों की जड़ों पर लगाकर रखना है और आधे घंटे के बाद अपने बालों को शैम्पू से धो लेना है। इस उपाय के पहले असर से ही आपके बालों का जितना भी डैंड्रफ है वो ख़त्म हो जाएगा और 2 बार अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपका जो डैंड्रफ पूरी तरह से ख़त्म होकर आपके जो बाल है वो बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान से घरेलू उपाय डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मैं आपको मिलूंगी और एक ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।